बंधुगण वर्तमानर समय एवं परिस्थिति संपूर्ण रूप से बदली जाइछि। समस्त व्यक्ति समय अनुसार निजक परिवर्तन कर सारी प्रायत व्यक्ति निजर संस्कृति को भूली जाइछंती जहार प्रभाव आम जीवन में पड़ुछि। आग काल लोक माने भोजन करने समय किछि नियमर पालन करुथिले जहाद्वारा सेमाने सर्वदा सुखी रहुथिले, किंतु वर्तमान संपूर्ण विपरीत होउछि जहाद्वारा लोक माने अनेक रोग व्याधिर शिकार होउछंती। तेबे वास्तुशास्त्र अनुसार भोजन करने समय केते गुड़िए नियमर पालन करने को उल्लेखनीय रही नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण सठिक बोली विवेचना करा जाइछि। तेबे आज आम आपण मानू से ही नियमगुड़िक संबंध में कहूँ, तेबे आसंतु एही संबंध में विस्तार रूप से जाणीबा। ताहा पूर्वर आपण मानू अनुरोध एही वीडियो को गोटे लाइक करनी, जदि एपर्यंत ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले वर्तमान ही सब्सक्राइब करनी। तेबे आसंतु जाणीबा बंधुकण प्रथमत पूर्व एवं उत्तर दिग भोजन करिबा निमन्ते सर्वोत्तम होइथाय। एही दिगरे भोजन करिबा द्वारा सकारात्मक शक्तिर ऊर्जा सृष्टि होइथाय। एहा द्वारा माता लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि लाभ होइथाय एवं एहा सहित जश एवं प्रतिष्ठा लाभ होइथाय। जेउ व्यक्तिंकर माता पिता जीवित अछन्ति सेमाने केबे भी दक्षिण दिगरे भोजन करिबा उचित नुहे, बरम सेमाने सर्वदा पश्चिम दिगरे भोजन करिबा सर्वोत्तम होइथाय। बंधुकण द्वितीयतः भंगा बा असना बासन रे भोजन करिबा अनुचित, एपरी करिबा द्वारा माता लक्ष्मी असंतुष्ट होइथांती, तेणु केबे भी एही भूल करंतु नाही। एहा सहित केबे भी बिछणा रे बसी खाद्य खाइबा उचित नुहे, एहा द्वारा आम शरीर तापमान बढ़ी जाइथाय एवं खाद्य सठिक भावे हजम होइनथाय। सर्वदा चटाण रे बसी भोजन करिबा उचित, एहा द्वारा आमर हजम क्रिया सठिक भावे होइथाय। बंधुकण तृतीयत केबे भी खाद्य खाइबा परे सही थाली रे हात धुंतु नाही, एहा द्वारा माता अन्नपूर्णांकर अपमान होइथाय एवं सर्वदा जेतिकि परिमाण रे आवश्यक सेतिकि परिमाण रे खाद्य ग्रहण करिबा उचित। एही समस्त नियम मानिबा द्वारा जीवन सुस्थ और सुखमय होइथाय। बंधुकण चतुर्थत केबे भी अन्यर थाली रु भोजन ग्रहण करंतु नाही, एहा अनुचित अटे। सुदामा मध्य भगवान श्रीकृष्ण थाली रु भोजन ग्रहण करिथिले जहाद्वारा तांकु दारिद्रता भोग करिबाकु पड़िथिला, तेणु सर्वदा निज थाली रे ही भोजन करिबा उचित। बंधुकण पंचमत एकादशी दिन भूल रे भी आमिष भोजन करंतु नाही, एही दिन मांस और मदिरा सेवन करिबा पाप समान होइथाय, तेणु प्रत्येक व्यक्ति एकादशी दिन सात्विक आहार सेवन करंतु। एहा द्वारा आपणकर जीवन रे सुख समृद्धि प्रतिष्ठा होइथाय एवं आपण दीर्घायु मध्य होइथांती। तेबे बंधुकण आशा करूछु आमर एही भिडियोटी आपण मानकर पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले भिडियो को लाइक करनी, आपणक बंधु मानक सहित शेयर करनी। धन्यवाद।